पूरे 10 साल से है ये जो एग्जामों का घोटाला, ये कंटिन्यू है। यहाँ सब इंस्पेक्टर का घोटाला नहीं हुआ था, यहाँ अकाउंट असिस्टेंट का घोटाला नहीं हुआ था, यहाँ आज भी बेचारे वो धरनों पे बैठे हैं, वो फायर सर्विस वाले, यहाँ घोटालों पे घोटाले। और जम्मू कश्मीर को इन्होंने मिला दिया पूरे नेशनल लेवल पे, दफा 370 के फायदे गिनवाते, आज बर्बाद है हमारा आदमी दफा 370 तोड़ के। इन लोगों ने 32 से 40 लाख रुपए में पेपर बिका है ना, सीधे स्कैम सामने है। तभी हम कहते हैं जिनने स्कैम किया है उनको अरेस्ट किया जाए और एग्जाम को कैंसिल किया जाए, ये हमारी डिमांड। ये पहली बार नहीं आए थे इसी तरह के, कल नेट का यूजीसी का एग्जाम भी कैंसिल किया। ये घोटाला सरकार तो है, इनके घोटाले जो है सड़कों पे आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इन पे स्टेटमेंट नहीं दे रहा, इन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, चोरों को शील्ड कर रहा है नरेंद्र मोदी। शुक्रिया। वो स्टूडेंट किसके लिए, सत्यानाश जो स्टूडेंट्स का हुआ है, जो बेड़ा कर किया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जवाब क्यों नहीं दिया कल का? आज कोई तकरीर में नहीं कहा गया और किसी शक्ति के लेने के लिए बात नहीं कहेगी, आई एम सॉरी। और ये जो जिस तरीके से हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा, सारा देश खड़ा होगा, इनकी इनकी तबाही करने पड़ेगी, ना अदर भाई छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। करनी और कथनी में अंतर है इनके, कहते कुछ और होता कुछ है। ये फ्रॉडी है, टोटली टोटल।